हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल विवेक एजुकेशन में। दोस्तों, हम आज इसमें मैथ से रिलेटेड नंबर सिस्टम का जो सीरीज हम लोग का चल रहा था उसी से रिलेटेड हम आज क्वेश्चन को फिर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये सेशन बहुत बेहतरीन है, इसमें आप लोगों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बेहद आसान तरीके ट्रिक लेके आए हैं जो बेहद आसानी से आप लोग इन क्वेश्चन को सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं पहले इसका बेसिक क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलिए। जैसा कि दोस्तों हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको हम बेसिक चीज़ें कुछ बताना चाहते हैं। दोस्तों, इसमें हम ये देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए अगर हम लिख दें एक का स्क्वायर, ठीक, एक का स्क्वायर और दो का पावर वन। ठीक है, एक का स्क्वायर और दो के घात वन दिया हुआ है, और अगर देखा जाए तो एक जो है एक में एक जोड़ दें तो ये दो हो जाएगा, और यहाँ से इसमें अगर हम इस घात के जो घात एक दिया है उस एक में अगर एक जोड़ दें तो यहाँ ऊपर दो हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ एक का स्क्वायर एक होता है और दो के पावर वन का मान दो होगा। ठीक है, अब देखा जा रहा है कि ये वाली संख्या छोटी है और ये वाली संख्या बड़ी है, यानी कि क्या पता चला कि अगर यहाँ हम अगर देखें तो इसका पावर यानी कि जिसका पावर कम है वो बड़ी है और जिसका पावर ज़्यादा है वो संख्या छोटी है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जिसका बेस कम है वो छोटा है और जिसका बेस ज़्यादा है वो बड़ा है। लेकिन ये कंडीशन है कि सिर्फ ऐसा कंडीशन दो ही में होगा, एक इसमें होगा, एक इस मतलब एक और दो में, और एक होता है दो और तीन में। ठीक है, बाकी सब में क्या होता है, बाकी सब में अगर बेस ज़्यादा है तो वो ज़्यादा, लेकिन बाकी जैसे इसमें जो है अगर बेस ज़्यादा है तो वो ज़्यादा होगा, लेकिन बाकी सब में क्या होता है, अदर नंबर में क्या होता है, जिसका पावर ज़्यादा होगा वही संख्या ज़्यादा होगी, यानी कि वही संख्या बड़ी होगी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं, आपको हम फिर दिखाते हैं एक और क्वेश्चन। जैसे अगर मान लीजिए दिया रहे दो का क्यूब और तीन का स्क्वायर, इसमें देखा जाए तो दो में दो से तीन कितना ज़्यादा है तो एक ज़्यादा है। ठीक है, और तीन से दो, दो से तीन कितना यहाँ पे ऊपर ज़्यादा है तो एक ज़्यादा है। अगर देखा जाए यहाँ पे तो बेस हमारा जो बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी, तो दो का अगर हम क्यूब करते हैं तो आठ होगा और तीन का स्क्वायर करेंगे तो नौ होगा, यानी कि जिसका बेस ज़्यादा है वही संख्या हमारी बड़ी हो रही है। लेकिन ऐसा कंडीशन सिर्फ दो ही में होगा, एक पहला इसमें होगा जो पहले हम बताए हैं और दूसरा सिर्फ दो और तीन में होगा, बाकी सब में क्या होता है कि जिसकी पावर ज़्यादा होती है उसका वही संख्या ज़्यादा होती है, यानी जिसका पावर ज़्यादा होगा वही संख्या बड़ी होगी, और अदर में इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में ये होगा कि जिसका बेस ज़्यादा होगा वही संख्या ज़्यादा होगी। तो ऐसा सिर्फ इसी दो कंडीशन में होता है, बाकी सब में हम लोग यही देखेंगे कि जिसका पावर ज़्यादा होगा वही संख्या ज़्यादा होगी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या जो हम आपको बता रहे हैं वो कंडीशन सही है। एक बार हम फिर से बताना चाहेंगे कि एक बार और हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी संख्या पे कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया है कि एक का स्क्वायर और दो का स्क्वायर, ठीक है, एक का स्क्वायर और दो का स्क्वायर, और दूसरा बताए हैं दो का स्क्वायर और तीन का स्क्वायर, सॉरी दो का ये एक पावर वन होगा, इसके पावर वन हो जाएगा। ठीक, और इसके पावर जो होगा वो इसके पावर सही था, ये देखिए यहाँ होगा दो और यहाँ हो जाएगा तीन। ये हम क्या देख रहे हैं, जो यहाँ पे है बेस वो पावर में हो जा रहा है, जो यहाँ बेस है वो यहाँ पावर हो जा रहा है, जो यहाँ बेस है वो यहाँ पर पावर हो जा रहा है, और जो यहाँ बेस है वो यहाँ पे पावर हो जा रहा है। ठीक है, ये इन दो कंडीशनों में सिर्फ यही होगा कि अगर बेस ज़्यादा है तो वो संख्या ज़्यादा होगी, और अदर कंडीशन में यानी कि अदर क्वेश्चन में या अदर नंबर में क्या होता है कि जिसका पावर ज़्यादा होगा वो संख्या ज़्यादा होगी। तो आप इसको देख लीजिए, उसके बाद हमें भी प्रूफ करके दिखा देते हैं आप लोगों को कि क्या जिसका पावर ज़्यादा होगा इसके अलावा उस वही ज़्यादा होगा। आइए देखते हैं, अब मान लीजिए आपको दिया रहे तीन का पावर चार दे दे और चार का पावर तीन दे दे,
ठीक। अब देखिए, हमने आपको बताया कि जिसका पावर ज़्यादा होगा वही संख्या ज़्यादा होगी, जिसका पावर कम होगा वो संख्या कम होगी। बेस से हमको नहीं मतलब है, बेस से किसी में मतलब है सिर्फ एक दो और दो और तीन में, इसी में हमको इन्हीं दो कंडीशनों में सिर्फ बेस से मतलब है, बाकी किसी में हमको बेस से नहीं मतलब है, पावर से मतलब। अगर पावर ज़्यादा होगा वो संख्या ज़्यादा होगी। अब तीन के पावर चार है, तीन के पावर चार का मतलब तीन का हम चार बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, तीन त्रिका नौ, देखिए इसको हम लिखेंगे तीन गुड़े तीन गुड़े तीन गुड़े तीन, चार बार हो गया। अब देखिए इसमें का तीन का तीन में गुणा करें नौ, नौ त्रिक सत्ताईस, सत्ताईस तियाँ इक्यासी, ये हो गया हमारा इक्यासी। अब चार का देख लेते हैं तीन बार, तो चार गुड़े चार गुड़े चार, तीन बार कर दिए, चार चौक सोलह चौक चौंसठ, ये आ गया चौंसठ। तो देखिए जैसा हमने आपको बताया कि एक दो और दो और तीन, इसके अलावा आप जितनी भी संख्याएं आपको दी जाएंगी और उसके घात जो भी रहेगा, अगर हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो जिसका पावर ज़्यादा होगा यानी कि जिसकी घात ज़्यादा होगी वही संख्या हमारा सबसे बड़ा होगा, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, बस यही आपको हमारा हमको बताना था, अब बाकी हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको हम सेकंडों में सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 10,000 के घात 1,000 दिया है और 1,001 की घात 999 दिया है, ठीक है। 10,000 के घात 1,000 दिया है और 1,001 की घात 999 दिया है और पूछ रहा है कि कौन इसमें से बड़ा है। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि जिसकी घात ज़्यादा होगी वही संख्या ज़्यादा बड़ा होगा, तो ऑप्शन हमारा सही होगा ए, ए ऑप्शन सही है, यानी कि 10,000 के घात 1,000 जो होगा वही हमारा बड़ा होगा, यही हमारा आंसर है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 1000 के पावर 999 और 999 के पावर 1000 में कौन बड़ा है, यही हमको बताना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ 1000 है तो इधर 1000 इसकी घात हो गया, यहाँ 999 है ये 999 इसकी घात हो गया, ऐसे क्वेश्चन में ऐसा कंडीशन होना चाहिए। तो अब हम इसमें बताएंगे कि कौन सा संख्या बड़ा है। तो हमने आपको बताया जिसकी घात बड़ी होगी वही संख्या बड़ा होगा, यानी कि 999 के पावर 1000 जो होगा वो हमारा बड़ा होगा, ठीक है। ये हमारा जो होगा लार्जेस्ट होगा, यल लिख देते हैं, ये बड़ी होगी, और छोटी अगर मान लीजिए पूछा गया होता तो छोटी हमारा होता, छोटी संख्या 1000 के पावर 999, यही हमारा छोटा होता, इसको हम स्मॉल यस से कर देंगे, ठीक है। ये हमारा छोटा होगा, ये बड़ा होगा, आज समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, थोड़ा क्वेश्चन ये अलग है, ठीक है। ये है 2 के पावर 60, 3 के घात 48, 4 के घात 36 और 5 के घात 24 में सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। दोस्तों इसको बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऊपर घात दिया है, पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेस को लिख लेंगे, ठीक। 2 को लिख लिए, 3 को, ये बेस है जो नीचे लिखा रहता है उसको बेस कहते हैं, ये बेस है, 2 लिख लिए, 3, 4, 5 लिख लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो घात क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका HCF निकालेंगे, ठीक है। HCF निकालेंगे यानी कि हम वो संख्या बड़ी से बड़ी वो संख्या खोजेंगे कि जिससे ये जो घात दिया हुआ है वो विभाजित हो जाए, पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो अगर हम इसका HCF निकालते हैं 60, 48, 36 और 24 का, तो इसका HCF आएगा 12। इसका HCF क्या आएगा, 12, 12 आ गया। अब 12 से हम भाग दे दें घात को, तो 12, 25, 60 यानी कि 2 की घात 5 हो जाएगा, ठीक है। तो राइटिंग नहीं सही हो रहा है, 2 की घात 5 हो जाएगा, ठीक। अब अगर हम 48 को देंगे तो 12 चौक 48, 3 की घात 4 हो गया, और 36 को देंगे तो 12 3 36, 4 की घात 3 हो गया, और 24 को देंगे तो 12 2 24, 5 की घात 2 हो गया। अब हम इसको हल कर लेंगे, 2 की घात 5 का मतलब 2 2 4 2 8 2 16 2 32, यानी कि 2 की घात 5 का मतलब हो गया 32, और 3 की घात 4 का मतलब अभी हम लोग पीछे देखे हैं 81, ठीक है 81, 4 की घात 3 का मतलब 64 का तीन बार गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 चौक 64, 5 का स्क्वायर बहुत आसान है 25,
ठीक है। अब हमको बताना है कौन सबसे बड़ी संख्या है, तो जो सबसे बड़ी दिख रही है वही सबसे बड़ी है, यानी कि 81। 81 का मतलब 3 की घात 4 जो है वो सबसे बड़ी यानी कि लार्जेस्ट है। और सबसे छोटी पूछ दे तो 5 स्क्वायर, ये सबसे छोटी स्मॉल है, ठीक है। तो ये बेहद आसान क्वेश्चन था दोस्तों, लेकिन ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, और बच्चे यहाँ कन्फ्यूज होकर गलती कर देते हैं, जहाँ HCF निकालना है वहाँ LCM निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करें। एकदम सेम ये क्वेश्चन पीछे के जैसे है, जैसे हमने पीछे सॉल्व किया है पहले का क्वेश्चन, उसी तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा दोस्तों। आइए देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। पहले हमने बताया कि क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, इसमें छोटी संख्या पूछ रही है, तो हम पहले क्या करेंगे कि जो बेस दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो बेस हमने लिख लिया 5, 6, 3, 2, ये हमने बेस लिख लिया है। अब बेस लिखने के बाद जो घात क्वेश्चन में जो घात दिया है उसमें हम ऐसा कोई एक नंबर चॉइस करेंगे कि जो सबसे बड़ा हो, और उस नंबर से जितने ये घात जो दी हुई हैं वो सारी घातें डिवाइड हो जाएं, यानी कि जो घात दिया हुआ है उसका हम HCF निकाल लेंगे। तो HCF क्या होगा, 20, 30, 40, 30 का, तो 10 HCF होगा दोस्तों। अब 10 से अगर हम भाग दें 20 को, यानी कि जो घात दिया है उसको बारी बारी से हम भाग देंगे, जो HCF निकाले हैं उस संख्या से HCF हम क्या निकाले हैं, 10। 10 से हम 20 को भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, 10 × 20, यानी कि 5 की घात क्या हो जाएगा, 2, और 30 को देंगे तो 3 हो जाएगा, 6 की घात 3 हो जाएगा, 3 की घात 40 है तो 4 हो जाएगा, 10 × 40 हो जाएगा, और 2 की घात 30 है तो ये हो जाएगा 15, ठीक है, नहीं सॉरी 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 2 की घात 3। अब हम इसको इसका गुणनखंड निकालेंगे, इसको हम तोड़ लेंगे, ठीक है। जैसे इसको हम 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, तो हम 25 लिख लिए, ठीक, 5 का स्क्वायर 25 लिख लिए, 6 का क्यूब तो 6, 6, 6, 36, 6 का 216 होता है, 6 का क्यूब 216, 3 का क्यूब 81, 3 के पावर 4, 3 के घात 4 का वैल्यू मान जो होता है वो क्या होता है, 81, तो 81 हम लिख लिए, 81 लिख लिए, 2 की घात 3 का मतलब 2 × 4 × 8, 8 हो गया, ठीक। अब हम क्या बताना है, सबसे छोटी संख्या जो हमारी होगी वो 8 होगी, यानी कि ये 2 के क्यूब जो हैं वो सबसे छोटी, यानी कि 2 का क्यूब ना लिख के हम क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब किसका है, 2 की घात 30, ये जो होगा ये हमारा सबसे छोटी संख्या होगी, ये होगा स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, यस है। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, सबसे छोटी संख्या 2 की घात 30 होगी, और सबसे बड़ी अगर पूछा जाता तो सबसे बड़ी क्या है, 216, यानी कि 6 का क्यूब, यानी कि 6 का जो क्यूब होगा वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है दोस्तों। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और जाहिर सी बात है आप लोगों को समझ में आया होगा, जैसा कि हमने बेसिक बताया, सबसे पहले हमने क्या बताया कि कौन ज़्यादा होगा कौन छोटा होगा। देखिए अगर बेस जो दिया है वो आगे वाले नंबर का पावर है, और जो आगे वाले नंबर का बेस, मतलब जो आगे वाला बेस है उसका जो पहले वाले नंबर का अगर पावर है, तो उसमें क्या होगा कि एक कंडीशन सिर्फ 1 और 2 और 2 और 3, इन्हीं 4 में लागू होती है कि जिसका बेस ज़्यादा होगा वही सबसे ज़्यादा होगा, और अदर संख्या यानी कि अदर नंबर में क्या होता है कि जिसकी पावर ज़्यादा होती है वो संख्या ज़्यादा होता है। ये शुरू में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा पावर किसका होता है, ठीक है। तो यानी कि जैसा कि हमने अभी पहला क्वेश्चन बताया, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि उस क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, ठीक है, उस क्वेश्चन का पैटर्न क्या था और उस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व कराया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी एक और वीडियो हम इससे रिलेटेड लेके आएंगे, उसमें हम लोग देखेंगे और 2-4 क्वेश्चन और देख लेंगे, और बेहद इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।